ये क्या है चाचा, ये कौन सा फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं बच्चों? तो करंट बढ़ना चाहिए। चलिए अगला सवाल। ये सवाल बहुत फेवरेट है बोर्ड का, हमेशा पूछता है मोस्टली। इसमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। तो रहन दो फिर। कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। पीछे देखो, पीछे। मतलब क्या हुआ होगा मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। बलून को पहली बार इस छोटी बच्ची ने यहाँ पे देखा। यही आपसे पूछा गया था, कितना सिंपल था बताओ। है इसका आंसर, अरे यार। And this is what that moment when you knew. Shit man, ये होमवर्क था। पर जल्दी मान गए ये बात। ओह शिट, वेरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने देखा ही नहीं, मतलब मैं इमोशन में बना दिया है, सॉरी। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हें खुशी तो काफी हुई होगी तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारा होमवर्क कर दिया है। बहुत अच्छा लगेगा। एक बार दोबारा से खुद से भी सॉल्व कर लेना। आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लेस है, तो करंट क्या करेगा? करंट कम होगा, बढ़ेगा? A few moments later. सही है सुमित जी, सही लगा मेरे को। ओके, हे भगवान चौधरी हो, अगर कम हो रहा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज लेसर इन पैरेलल कनेक्शन, तो करंट बढ़ना चाहिए। इंक्रीज द करंट, डिक्रीज सही नहीं है, इंक्रीज द करंट होना चाहिए, है ना? यहाँ पे ए ऑप्शन सही होना चाहिए। मतलब मेजॉरिटी बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सॉरी यार, हमारी गलती, आपकी गलती, सबकी गलती है। तो आपको याद करना है कि CSA इसका होता है पाई आर एल। याद रखोगे पाई आर एल? नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया बता दिया पाई आर एल, इन लोगों ने एस लिखा है। एस, ये क्या है चाचा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं बच्चों? Oh my God, ये पाई आर एस। अच्छा ठीक है बेटा, इसको जनरली हम लोग पाई आर एल लिखते हैं, यहाँ पे पाई आर एस लिखा हुआ है। कुछ नया ही करने, तूफानी करने की कोशिश हो रही है।